जॉब प्लानर में। दोस्तों आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो कर्क रेखा से संबंधित है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो मैं कि कर्क रेखा जो है भारत के वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? तो 8 राज्यों। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर भी ये भी बन जाते हैं, मतलब कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन में रहेगा 5, 6, 7, 8। क्या मानना है दोस्तों? तो 8 मानना, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं वो 8 राज्य कौन कौन से है। तो पहला हो गया आपका मिजोरम, दूसरा हो गया आपका त्रिपुरा, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा राजस्थान, पांचवा गुजरात, छठा मध्य प्रदेश, सातवां छत्तीसगढ़ और आठवां झारखंड, है कि नहीं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिजोरम से लेकर झारखंड यानी कि टोटल कितने राज्य है, तो 8 राज्य है। तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा जो है गुजरती है। तो इसको अब हम लोग याद कैसे करेंगे, तो ट्रिक के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो ट्रिक आपका कुछ इस प्रकार से है कि मित्र पर गमछा झार। जी हाँ, ट्रिक का नाम क्या है? तो मित्र पर गमछा झार। तो यहाँ पे हम लोग याद कर सकते हैं मी से जो हो गया वो हो गया आपका मिजोरम, त्रस जो हो गया वो हो गया आपका त्रिपुरा, पा से जो हो गया वो हो गया आपका पश्चिम बंगाल, और रस जो हो गया वो हो गया आपका राजस्थान, ग से जो हो गया आपका वो हो गया गुजरात, मा से जो हो गया वो है आपका मध्य प्रदेश, और जो छा से हो गया वो है आपका छत्तीसगढ़, और यहाँ पूरा का पूरा झार, और झार से क्या हो गया आपका झारखंड। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मित्र पर गमछा झार, अगर केवल आप ये पॉइंट याद कर लेते हैं रखना है, तो आपके लिए सारे के सारे ये क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, तो सॉल्व हो जाएंगे। आप ऑप्शन को देखते ही टिक आउट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का आपका ट्रिक टिक और कर्क रेखा से रिलेटेड टॉपिक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए जॉब प्लानर।